हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कमलाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी, जिसे हम पेठा भी बोलते हैं यहाँ पे हमारे राजस्थान में। तो इसे पेठा भी बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे इनको कट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और इनका हमें बाहर वाला छिलका हटा देना है और अंदर वाले बीज हैं वो भी हटा देना है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम अक्सर शादियों में पार्टियों में बनती है ये सब्ज़ी और खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम घर पे भी आज बहुत ही यम्मी सी सब्ज़ी बनाएंगे। कुकर के अंदर बना रही हूँ क्योंकि कुकर के अंदर फटाफट बन जाती है, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादातर सब्ज़ियाँ कुकर के अंदर ही बनाती हूँ। तो मैंने कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे दो कटे हुए प्याज और दो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दी हैं और हरी मिर्ची भी डाल दी है, दो कुटी हुई हरी मिर्च, और तीन से चार मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो कद्दू होता है ना, ये थोड़ा इसमें मिठास होता है, तो अगर आपको मिठास चाहिए तो आप इसके अंदर टमाटर या तो स्किप कर दीजिए या फिर थोड़े डाल दीजिए। मैं यहाँ पर लगभग तीन से चार मैंने टमाटर डाल दिए ताकि इसका मिठास ना आए। और इसी के बाद हम जस्ट इसके अंदर कद्दू भी डाल देंगे क्योंकि हमें सभी चीज़ों को फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट झटपट तरीके से ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कद्दू को लगभग दो मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद में एक छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी छोटी चम्मच के अंदर डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच के करीब इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। सभी मसालों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। फ्रेंड्स, ये कद्दू की, मतलब कई लोग बोलते हैं कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती या फिर अच्छी नहीं लगती, तो आप एक बार अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो वास्तव में मैं आपके साथ दावा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी कद्दू की सब्ज़ी। और ये बजट में ही होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए, मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए, अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मत डालिए और एक दो सीटी लगवा लीजिए, आपकी सूखी कद्दू की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। और अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी डाल के और मिक्स करके, और सिर्फ दो सीटी तो आपको लगवानी ही है। दो सीटी के बाद में हम देखेंगे हमारी जो कद्दू की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये कद्दू की सब्ज़ी। अगर आप एक बार बनाओगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा कितनी यम्मी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर चाहो तो लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला डाल सकते हो। तो मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया, हमारी चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है इसको बनाने का, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।